हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडेंट खबरी, जहां बात करते हैं हम स्टूडेंट्स के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 5 मई को है नीट के एग्जामिनेशन, जो कि सारे बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स जिन्हें डॉक्टर बनना है देने वाले हैं। तो इसी के चलते हम एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं जिसमें बात होगी सिर्फ और सिर्फ नीट के बारे में। तो हमारी जो पहली वीडियो होगी, यानी आज की जो वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं नीट के बारे में कि कैसे एग्जामिनेशन होती हैं, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो आपको उसके बाद बहुत जल्द देखने को मिलेगी हमारे चैनल में, उसमें हम लेकर आ रहे हैं एक एक्सपर्ट को जो आपको बताएगा कि कैसे आप नीट के लिए एंड टाइम प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं या फिर कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप कैसे नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो इस एक्सपर्ट से हम सारी बातें करेंगे, वो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगी। देन उसके बाद एक बहुत स्पेशल वीडियो है जो आप सभी को देखना चाहिए, जो कि बहुत हेल्प करेगी आपको नीट के टाइम पे और नीट के बाद भी। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके बारे में अभी से ज़्यादा तो आपको नहीं बोल सकता, वो एक सरप्राइज़ है आप सभी के लिए, एक स्पेशल वीडियो है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये 3 वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं इस सीरीज़ में, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सबसे पहले करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे इन वीडियोस के बारे में और सारी वीडियोस के बारे में। तो आ जाते हैं आज की वीडियो पे, जहां बात करने वाले हम नीट एग्जामिनेशन के बारे में। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि पहले जाना जाता था AIPMT के नाम से, लेकिन 2012 के बाद से इसका नाम बदल के नीट कर दिया गया है कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से, जिसको आपको पता ही है। तो अब नीट में सारे एग्जामिनेशन जो भी पहले होते थे, लाइक AIPMT होता था, देन डेंटल कॉलेजेस के लिए अलग एग्जामिनेशन होती थी, ऐसी बहुत सारी एग्जामिनेशन होती थी, ये सब हटके अब एक ही एग्जामिनेशन होती है नीट, जिसके थ्रू आपको सारे कॉलेजेस मिलते हैं। लाइक अगर आपको किसी मेडिकल कॉलेज में जाना है तो नीट देना पड़ेगा, अगर आपको BAMS करना है, आपको आयुर्वेदिक फील्ड में जाना है तो भी आपको नीट देना पड़ेगा, अगर आपको डेंटल डॉक्टर बनना है तो भी आपको नीट देना पड़ेगा। यानी सारी अब एग्जामिनेशंस का एक ही है नीट, सबके लिए आपको नीट देना पड़ेगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 5th of May 2019। तो जो लोग भी अपेयर होने वाले एग्जामिनेशन के लिए, उनको इस डेट के बारे में पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि नीट की एग्जामिनेशन डेट है 5th of May 2019। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो ऑफलाइन पेपर होता है, लाइक आपको पेन एंड पेपर मिलेगा, जिसको आपको MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आंसर करना है। अब हर क्वेश्चन मार्क्स करता है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 4 मार्क मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लाइक अगर आप कोई भी आंसर गलत मार्क करते हैं, गलत चूज करते हैं, तो आपकी 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग होगी। अब लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस, जैसे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में ये पेपर होता है, लाइक सिर्फ इंग्लिश हिंदी नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये पेपर अवेलेबल है। उसके बाद मार्किंग स्कीम मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपको टोटल 180 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 180, तो ये आते हैं 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से। मतलब अगर आपने 12th पास किया है बायोलॉजी से, साइंस से, तो आपको पता ही होगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। लाइक फिजिक्स से होंगे आपके 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन, देन जूलॉजी से 45 क्वेश्चन एंड बॉटनी से 45 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन वैल्यू करता है 4 मार्क्स, और आपको सारे आंसर्स देने होंगे, कंपलसरी है। देन नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो सारे कंबाइन होके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 720। लाइक हर सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चंस इनटू 4 इक्वल्स टू 180 मार्क्स, और अगर इनका सम करें तो टोटल 720 मार्क्स होते हैं। अब अगर सिलेबस की बात करूं तो बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये इन चारों में से आते हैं। अगर लास्ट ईयर के पेपर की बात करें तो लास्ट ईयर जो भी बायोलॉजी वाला सेक्शन था वो बहुत इजी रहा है बच्चों के रिव्यूज़ के हिसाब से, और पेपर भी जो देखा था वो बहुत इजी था बायोलॉजी वाला सेक्शन। केमिस्ट्री भी मॉडरेट था, लेकिन फिजिक्स ने थोड़ा लोगों को परेशान किया था। अब इस साल के पेपर की हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बिकॉज हर साल चेंज होकर आता है पैटर्न, बट पिछले साल का पेपर थोड़ा ऐसा था, तो बायोलॉजी ने बहुत सपोर्ट किया था, काफ़ी ईजी था, केमिस्ट्री भी मॉडरेट था, लेकिन फिजिक्स ने जान ले ली थी बच्चों की। अब आ जाते हैं इसके क्वालिफिकेशन की प्रोसेस पे। अगर आपको क्वालिफाई करना है नीट एग्जामिनेशंस, तो ये कंपलसरी है कि आपके 50% ऑफ टोटल मार्क्स हैं। लाइक अगर आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं 720, तो आपको 360 मार्क्स आना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ये क्वालिफाई करना तो एक अलग बात है, इसके बाद जो काउंसलिंग होती है उसमें भी
बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, मतलब अगर क्वालिफाई करने का भी मतलब ये नहीं कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा, आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, काउंसलिंग होती है, उसमें भी बैठना पड़ेगा। और काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो थोड़ी लंबी चलेगी, बिकॉज 50% कोटा जो है उन्होंने नेशनल लेवल पर दिया हुआ है, लाइक आपको नेशनल कॉलेजेस जो हैं इन कम्बाइंड वो 50% कोटा रहेगा, देन 80% स्टेट वाइज कोटा रहेगा, लाइक स्टेट वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो एक काउंसलिंग भी एक लंबी प्रोसेस है और वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लाइक क्वालिफाई करना तो वन थिंग, बट काउंसलिंग के थ्रू आपको सीट मिल जाने इज अनदर थिंग। रिजल्ट आने वाला है 5 जून को, 5 जून तक आपको रिजल्ट आ जाएगा। और मैं बता दूं इसमें कोई रीचेकिंग, कोई रिकाउंटिंग का सीन नहीं होता है, जो मार्क्स मिलेंगे वही मार्क्स होते हैं, वही ट्रू मार्क्स होते हैं, उसके आगे आप कुछ आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करूँ तो जनरल को क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है, ओबीसी एससी एसटी को 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो नीट का कट ऑफ ये था। अब सीट्स की बात करूँ मैं तो यार देखो ऐसा है कि 360 मार्क्स टू क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको सीट मिले तो आपको ना यू शुड फोकस ऑन स्कोरिंग मोर देन 420 मार्क्स, बिकॉज तब आपकी ना चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं सीट सिक्योर करने की। उसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएं तो प्रेफरेंस दें कि आप अपनी स्टेट के कॉलेजेस को पहले चूज़ करें, बिकॉज स्टेट वाइज ज़्यादा कोटा है, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लाइक 80% कोटा मिलता है स्टेट के लोगों को, देन उसके बाद आप नेशनल लेवल पर जाएँ। बट ये है कि अगर आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, लाइक अगर आप 650 मार्क्स हैं तो आपको सीट मिलना इस डेफिनेटली श्योर, आपको सीट मिल ही जाएगी। बाकी नीट एग्जामिनेशन के लिए यार आई होप आपने अभी तक के लिए सब पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो जितना हो सके उतना प्रिपरेशन करें, देखें लास्ट ईयर के पेपर्स जो भी हैं, अपनी जो फैकल्टीज़ हैं टीचर्स उनसे बात करें कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे आप ध्यान दे सकते हैं, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ सकें। बायोलॉजी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लाइक बायोलॉजी के दो सेक्शन आते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, जो कि बहुत ईजी पड़ता है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसको एज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। लाइक अगर आप बायोलॉजी में टोटल सारे आंसर्स, सारे क्वेश्चंस के सही आंसर्स देते हैं तो आपको टोटल 360 मार्क्स तो यही मिल जाते हैं, लाइक आप क्वालिफाई यहीं से कर जाएंगे। देन उसके बाद आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़े ऊपर नीचे मार्क्स लाने हैं ताकि आप वो क्वालिफाई लेवल से भी और ऊपर निकल के आपकी सीट कन्फर्म हो जाए। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो नीट के बारे में कि नीट एग्जामिनेशन क्या होती है। प्लीज़ हमारे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, उस पर हम लेके आने वाले हैं एक बहुत स्पेशल एक्सपर्ट जो बात करेगा आपसे नीट के एग्जामिनेशन के बारे में कि कैसे आप किन चीज़ों पे लास्टली फोकस कर सकते हैं और कैसे आप लास्ट मिनट में भी क्रैक कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताएंगे और वो बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो यार, क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। बेल आइकन को क्लिक करो ताकि तुमको अपडेट मिलती रहे, और अगर इस कुछ भी डाउट हो हमको तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलो, सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जुड़े रहो हमसे ताकि तुमको मिलता रहे सारा ज्ञान जो हम देने वाले हैं। थैंक यू।